कितना मजा आ रहा है, एकदम जैसे पहले आता था। हम लोग ऐसे ही साथ बैठते थे, बातें करते थे, खाते थे, है ना? हाँ, और लड़ते भी थे। हाँ, लड़ते भी थे। 10 साल, 10 साल के बाद पता है वही बातें याद रहती हैं जो हम याद रखना चाहते हैं। And you know, अनु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Stop it, Sonali. Stop it now. Mrs. Dixit, आपने मुझे जाने नहीं दिया और अब यहाँ पे मेरी बुराइयां बनवाई जा रही है, गिनवाई जा रही है। I'm sorry, Mrs. Dixit. लेकिन इस सब की जिम्मेदार आप है। आपने मुझसे झूठ बोला, लंदन से यहां बुलाया इस सब के लिए। आपको पता था ना कि यहां पे ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मिसेस दीक्षित? व्हाई? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें दूंगी, जरूर दूंगी, और तुम सबको सुनना भी पड़ेगा। उसके बाद जिसे जाना है जा सकता है। मैं जानती थी कि यहां ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम चारों को बुलाया। जानती हो क्यों? 10 साल, 10 साल बीत गए। एक वक्त था जब तुम सब एक दूसरे के कितनी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और इन 10 सालों में एक दूसरे से मिली ही नहीं हो, मिलना चाहती भी नहीं हो। क्यों? ये सब तुम्हारा बचपना है, नादानी है, एक एक बकवास सी जिद है। मैं जानती हूं तुम सबको तुमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानती हूं, इसीलिए कहती हूं हम सब एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी? इतना कुछ होने के बाद ही, जानती हूं पतझड़ में सूखे पत्ते गिर जाते हैं और नई हरी पत्तियां आती हैं। जब पत्ते गिरते हैं तब भी डाली तो पेड़ से जुड़ी हुई रहती है, अलग नहीं हो जाती। ये साथ साथ रहना ही उसे नई जिंदगी देता है। अनु, तुमने मुझसे जवाब मांगा ना, एक जवाब मैं मांगती हूं तुम सबसे। इस कड़वाहट ने, इस अलग अलग की जिंदगी ने तुम सबको क्या दिया? अनु को एक टूटी हुई शादी, सोनाली तुम्हें एक ऐसी शादी जो टूटी हुई शादी से भी बदतर है, किरण जो कभी शादी कर ही नहीं सकी। सच्चाई का सामना करना सीखो, वो सच्चाई जिसे छुपाने के लिए तुम सब ने अपनी जिंदगी खराब कर ली है।